अस्सलाम वालेकुम स्टार इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद अहमद जी। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि घरेलू बोर्ड कैसे बनाया जाता है। इसके हम कनेक्शन के बारे में सीखेंगे कि इसके अंदर बिजली के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसमें हमारे पास एक डिमर है, एक उसका बटन है, एक सॉकेट का बटन है, उसके अलावा दो अजाफी पॉइंट हैं जो ऊपर लगाए मतलब बल्ब वगैरह लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे वायरिंग कैसे की जाती है, डिमर का कनेक्शन किसे कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे जी। गाइस चलें स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल स्टार इलेक्ट्रिक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी नई आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। गाइस ये एक मेन फेज़ हमने तीनों बटन के ऊपर से गुजार लिया है, इसी फेज़ को हम ऊपर वाले बटन के साथ भी अटैच कर देते हैं जी। दोस्तों अब हमने इसको ऊपर वाले बटन से अटैच कर लिया है। ये मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर देता हूँ जी। दोस्तों अब हमने इस फेज़ को डिमर के अंदर से लेके जाना है जो हमारे फ़ैन तक जाएगा जी। हम ये बटन के नीचे से पहले इस डिमर में एक वायर का पीस ले कर लगाएंगे। डिमर में लगाने के बाद इसी तार को हम बटन के नीचे हिस्से में लगाएंगे ताकि बटन को दबाने से हमारा डिमर ऑन हो और उसके बाद डिमर से फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों अब हमने इसको लगा लिया, उसके बाद सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। बटन के नीचे से फेज़ को सॉकेट के साथ लगा देंगे और दूसरे टर्मिनल पर हम लगाएँगे न्यूट्रल वायर को। दूसरे टर्मिनल पर हम न्यूट्रल वायर को लगाएँगे। ये मैंने फेज़ों को कर दिया है, ये पॉइंट हो गए, ये हमारा सॉकेट हो गया, इस पर न्यूट्रल लगेगी और पॉइंट की न्यूट्रल भी इसके साथ लगेगी और फेज़ इनके साथ लगेगी नीचे वाले के साथ जी। गाइस ये हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।